हमारा सवाल है कि जिस प्रकार से कल एक घटना हुई जिसमें कि कई विधायकों को भी जो है रामदेव जी को भी पीटा गया, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। और किसी भी अगर धरना प्रदर्शन होता है तो मेमोरेंडम देने का अधिकार होता है, ठीक है। कल कांग्रेस के नेताओं को कहा गया कि आइए राज्यपाल आवास चलिए, मेमोरेंडम दिलवाते हैं और सीधे कोतवाली में बंद कर दिया गया। इसकी घोर निंदा होती है। उप मुख्यमंत्री मौजूद है और उप मुख्यमंत्री कहते हैं, महोदय उप मुख्यमंत्री कहते हैं कि रात के अंधेरे में अच्छे काम होते हैं। ये रात के अंधेरे वाली जो सरकार है, हम लोग यहाँ दिन में बैठ करके दिन में विधानसभा चल रही, यानी ये बेकार का काम है। अब तो सरकार के लोग यहाँ बैठे अध्यक्ष महोदय, ये तो सरकारी रात के अंधेरे में बनी हुई है। नेता प्रतिपक्ष मामले को बिहार से महाराष्ट्र कहाँ पहुँचा रहे? यहाँ भी तो सरकार रात ही में खेल हुआ है महोदय। प्रश्नोत्तर के खंड, अच्छा सीट पे जाके बोलिए, आइए ना सीट पे जाके बोलिए। अमल के नेता सदानंद बाबू और आप सबने कहा अगर कार से इस तब तो अभी तो बोला है तो मैं सरकार को वक्तव्य देने को कहूंगा, लेकिन अगर समय पर उठाएंगे, अभी अभी उठाने का तो कोई मतलब नहीं है। अभी उठाने आप कहाँ चले गए? आप तो प्रश्न पूछे हैं साहब, आप अंदर कहाँ चले गए? माननीय भोला जी, आपने तो प्रश्न पूछा है। सदस्य सीनियर सदस्य अवधेश बाबू, अवधेश बाबू पुराने सदस्य हैं, सीनियर मोस्ट मेंबर है महोदय। आसन जगह पे जाइए ना, स्थान पर तो जाएं और अपनी बात को रखें। क्या कहना चाहते हैं वो जाते ही नहीं है, और नेता विरोधी दल को खड़ा कर दिए हैं, अब बाकी मेंबर को कर दिए हैं बेल में। सभी मेंबर पहले अपने जगह पर जाएं। नेता विरोधी दल जो कहना चाहते हैं वो कहे, अवधेश बाबू जो कहना चाहते हैं वो कहे। क्या बात है, आसन के तरफ से कहा जा रहा है, कम से कम उसको तो ध्यान में रखिए। कुछ नियम का पालन भी तो करिए, नियम का भी पालन कीजिए, जगह पर जाइए। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ। अरे कोई साथ रहे तब तो सुने। अध्यक्ष महोदय, एक मिनट अध्यक्ष महोदय, हम विपक्षी दलों का कर्तव्य है कि जनता के समस्याओं को हम लोग सरकार के सामने लाएं, चाहे सदन के अंदर हो चाहे सदन के बाहर। कल जिस प्रकार से जन समस्याओं को कांग्रेस के लोगों ने सड़क पर उठाने का काम किया है, लेकिन मुझे अफसोस है कि जिस प्रकार का सरकार का रवैया रहा, जिस प्रकार से कोई भी इशू अगर विपक्ष के लोग या कोई भी कर्मचारी अपने आवाज को उठाने का काम करता तो सरकार जो है लाठी डंडे से उसको जो है मारने का काम करती है। हमारा सवाल है कि जिस प्रकार से कल एक घटना हुई जिसमें कि कई विधायकों को भी जो है रामदेव जी को भी पीटा गया, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। और किसी भी अगर धरना प्रदर्शन होता है तो मेमोरेंडम देने का अधिकार होता है, ठीक है। कल कांग्रेस के नेताओं को कहा गया कि आइए राज्यपाल आवास चलिए, मेमोरेंडम दिलवाते हैं और सीधे कोतवाली में बंद कर दिया गया। इसकी घोर निंदा होती है। काल चलने दीजिए ना, इस तरह का वर्ताव आज तक किसी के सरकारों ने नहीं किया महोदय। आप क्या चाहते हैं अवधेश बाबू? अवधेश बाबू आप क्या चाहते हैं? आप चाहते क्या है? आप चाहते क्या है? आप चाहते क्या है? नहीं, अगर आप चाहते क्या है, हम तो कह रहे हैं कि समय पर उठाइएगा, सरकार को हम कहेंगे वक्तव्य देने के लिए, लेकिन और समय उठाने से तो आसन भी मजबूर है। अगर कोई बात नियम के विपरीत और समय उठाई जाती है तो आसन की भी मजबूरी है ना, आसन भी नियम से चलता है। नहीं, अब आप
अब आप प्रश्न काल चलने दीजिए। भोला बाबू ने प्रश्न पूछा है, भोला बाबू आप सीट पर जाइए, आपका प्रश्न लेंगे। बैठे लोग सामने हैं, उप मुख्यमंत्री मौजूद है और उप मुख्यमंत्री कहते हैं, महोदय उप मुख्यमंत्री कहते हैं कि रात के अंधेरे में अच्छे काम होते हैं। ये रात के अंधेरे वाली जो सरकार है, हम लोग यहाँ दिन में बैठ करके दिन में विधानसभा चल रही है, यानी ये बेकार का काम है। अब तो सरकार के लोग यहाँ बैठे, अध्यक्ष महोदय, ये तो सरकारी रात के अंधेरे में बनी हुई है। नेता प्रतिपक्ष मामले को बिहार से महाराष्ट्र कहाँ पहुंचा रहे हैं? यहाँ भी तो सरकार रात ही में खेल हुआ है महोदय। चलिए अब देखो जगह पे जाइए। अध्यक्ष महोदय जाइएगा, माननीय आग्रह करता हूँ, माफी मांगिए सरकार, जगह पर जाए महोदय, माफी और समय पर सवालों को उठाए महोदय, और जो सवाल उठाएंगे उसका सरकार जवाब देगी। क्या कह रहे हैं संसदीय कार्य मंत्री? अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा कि माननीय सदस्य आग्रह करना चाहता हूँ कि अपने जगह पर जाएं और जो सवाल माननीय सदस्य उठाएंगे उसके बारे में सवाल का जवाब सरकार देगी। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या एक, श्री भोला यादव, श्री भोला यादव, गृह विभाग खंड का, सीट पे जाके बोलिए ना, सीट पे, अच्छा सीट पे जाके बोलिए, जाइए ना सीट पे जाके बोलिए। अवधेश बाबू, अवधेश बाबू, मैंने देखा है आपके दल के नेता सदानंद बाबू और आप सबने कार्य स्थगन इस संबंध में दिया है। अगर कार्य स्थगन के समय में इस मामले को उठाएंगे तो मैं सरकार से इस पर वक्तव्य देने को भी कहूंगा, लेकिन अगर आप समय पर उठाएंगे तब तो, अभी तो प्रश्नोत्तर काल है। अगर आप समय पर उठाएंगे और अगर माननीय विधायक का मामला है तो मैं सरकार को वक्तव्य देने को कहूंगा, लेकिन अगर समय पर उठाएंगे, अभी उठाने का तो कोई मतलब नहीं है, अभी उठाने से क्या है। अरे माननीय भोला, आप कहाँ चले गए? आप तो प्रश्न पूछे हैं साहब, आप अंदर कहाँ चले गए? माननीय भोला जी, आपने तो प्रश्न पूछा है। माननीय सदस्य, सीनियर सदस्य, अवधेश बाबू, अवधेश बाबू पुराने सदस्य हैं, सीनियर मोस्ट मेंबर है महोदय, आसन जगह पे जाइए ना, स्थान पर तो जाएं और अपनी बात को रखें, क्या कहना चाहते हैं वो जाते ही नहीं है, और नेता विरोधी दल को खड़ा कर दिए हैं, अब बाकी मेंबर को कर दिए हैं बेल में, सभी मेंबर पहले अपने जगह पर जाएं। नेता विरोधी दल जो कहना चाहते हैं वो कहे, अवधेश बाबू जो कहना चाहते हैं वो कहे, क्या बात है, आसन के तरफ से कहा जा रहा है, कम से कम उसको तो ध्यान में रखिए, कुछ नियम का पालन भी तो करिए, नियम का भी पालन कीजिए, जगह पर जाइए। मैं आपसे ये सदस्य अपने जगह पर नहीं जा रहे हैं, हठधरता का परिचय दे रहे हैं महोदय, इनको नियम से और नियमावली से कोई मतलब नहीं है महोदय, और न समस्या का हल चाहते हैं महोदय। मैं पुनः एक बार आग्रह करना चाहता हूँ विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों से कि अपने जगह पर जाए और अपनी बात को रखे, सरकार उसका जवाब देगी। लाठी गोली कहाँ चला? सदन चलने दीजिए ना,
अब सदन की कार्रवाई आपसे फिर कहते हैं कि चलने दीजिए। अरे चलने दीजिए। अध्यक्ष महोदय, इतना महत्वपूर्ण सवाल है महोदय, राज्य के जनता का हित का सवाल है, आप विपक्ष के नेता को इन राज्य की जनता का हित का सवाल नहीं झलकता है? आप एक बार आग्रह कार्रवाई दो अपने जगह पर जाए, स्थगित की जाती है।